हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल आर वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। टुडे वीडियो अबाउट द जूनियर पज असिस्टेंट जूनियर पज स्टोर कीपर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, हाल ही में जो एग्जाम आने वाला है उसके साथ आपको साल प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका सोल्यूशन आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। होप यू हैव डाउनलोडेड माई एप्लीकेशन फ्राम प्ले स्टोर अप्लाइड साइंस सोल्यूशन एंड एप्स आर लैपटॉप। ओके, यू कैन टेक ए पीडीएफ फ्रॉम दिस अप्लाइड साइंस सोल्यूशन ऐप। आप इस एप्लीकेशन से प्ले स्टोर से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं जो यहाँ आपको सोल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है, देर आर मेनी वेरियस डेली प्रैक्टिस सेट, डेली राइटिंग प्रैक्टिस इन लेवल वन लेवल टू मटेरियल अवेलेबल दैट वेरी यूजफुल फॉर यू। आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कौन कौन से ऐसे हैं। 2021 में आपका ऐसे है। ओके, 22 में है जूनियर पज असिस्टेंट यूडीसी एंड जूनियर पज असिस्टेंट बोथ के लिए यहाँ पे टोटल सेवन ऐसे हैं। यहाँ पे आपको 7 ऐसे मिल जाएंगे, सबके सोल्यूशन दिखाते हैं। रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन नेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, सो टॉपिक इज द बासमती इकोनॉमी, एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटी। ओके, चैलेंजिंग एंड द रोड अहेड एंड कंक्लूजन्स। ओके, अगर हिंदी में बात करें तो भारत में राष्ट्रीय विकास में कृषि की भूमिका को लेकर के कई टॉपिक्स यहाँ दिए गए हैं। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं ताकि आपके लिए बेहतर चीज़ें बनी रहें। ठीक है, चलिए आगे बताएं। नेक्स्ट, नाउ द ऐसे राइटिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ द लेबर। डिग्निटी ऑफ द लेबर, यू कैन राइट इट ऑन योर नोट्सबुक, यू कैन टेक पीडीएफ फ्रॉम माई एप्लीकेशन फ्रॉम अप्लाइड साइंस सोल्यूशन ऐप। ओके, यू कैन विजिट डिस्क्रिप्शन लिंक। तो श्रम की गरिमा है, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है, इसका जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके वहाँ से इसे ब्राउज कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देर न करें, विजिट करें हमारे एप्लीकेशन पे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द लर्निंग एज, द आइडियल एजुकेशन प्रैक्टिस इन डिजिटल एज एंड द डिस्कस अबाउट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ क्लास रूम बेस्ड एंड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। ओके, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, दिस क्वेश्चन है रिपीटेड द 2 times इन एग्जामिनेशन, सो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर प्रैक्टिस पर्पज, सो राइट ऑन योर नोटबुक। ओके, तो क्या है कि डिजिटल युग में सीखना और एक आदर्श शिक्षा और परंपरा और तकनीक का सम्मिश्रण। ठीक है, आज के समय का काफ़ी ये दोबारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है एजुकेशन से रिलेटेड जो डिजिटल लर्निंग का है, तो इसे नोट जरूर करें। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द राइट एन एसे। ओके, नाउ नाउ राइट एसे ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस एंड व्हाट द पॉसिबिलिटी स्टेप कैन बी टेकन टू रिड्यूस सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे टॉपिक्स हैं और ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं। तो डोंट बी लेट, राइट टू इट। ओके, तो यहाँ पे पूरा हिंदी में आपको बताया गया है, मूर्ति टूल्स पूरा हिंदी में है, आप इसे नोट करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि पेपर में किस तरीके से आना है वो आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे बिकॉज दिस रिपीटेड अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग। ओके, सो प्रैक्टिस सीट ऑन योर नोट सीट फॉर बेटर। इफ यू वॉन्ट पी डी एफ यू कैन ब्राउज फ्रॉम माई एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस सोल्यूशन दैट अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड ऐप एंड ऑलरेडी क्रोम ऑल्सो। ओके, तो ये आपकी ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के 2 बार पूछे गए थे, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है, आप इसे जरूर प्रैक्टिस करें। उसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसे हमारे एप्लीकेशन से आप वहां से ब्राउज करके देख सकते हैं या आप इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक करके आप चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि आने वाले एग्जाम को आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ओके, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपका सोल्यूशन है टुमारो ऑफ द सोसाइटी ऑफ टुमारो, जिस के बाद ऐसे आस्क्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो यू कैन राइट दिस and your notes and you can check out PDF from my application. Now I put next topic in Hindi. हिंदी में क्या है, भविष्य का समाज को लेकर के पिछली बार निबंध पूछा गया था, तो इस चीज़ को लेकर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इसे सिमिलर मान लीजिए कोई और आ जाता है इसे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब क्या है, आगे नेक्स्ट बताते हैं आपको, अंतिम ऐसे है आपका नाउ लास्ट ऐसे अबाउट द इम्पोर्टेंट ई कॉमर्स स्ट्रेटजी फॉर अट्रैक्टिव ऑफ न्यू कॉमर्स न्यू कस्टमर मैग्नेटिक मार्केट प्लेस। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द एसे, 7th एसे हैज गिवन, यू कैन चेक इट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन चेक आउट पीडीएफ फ्रॉम एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस सोल्यूशन।
ओके, ये बहुत अच्छा है। और सबसे लास्ट है आपका ऐसे नए ग्राहकों के लिए आकर्षित ई कॉमर्स रणनीतियाँ, तो ये रणनीतियाँ दी गई हैं, तो इसके बाद आप लिख लीजिए अच्छे से और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पार्ट बी में आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन एक ही लैंग्वेज लिखना है, नोटिंग भी उसी में लिखना है, हिंदी लिखना है तो हिंदी लिखना है, इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश भी उसी में लिखना है। सो डोंट बी लेट, यू कैन चेक डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम माई एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस सोल्यूशन दैट गिवन इन द बिलो टॉपिक्स। नीचे लिंक में आपको अप्लाइड साइंस सोल्यूशन का कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके अच्छे से इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। मेरे ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बेस्ट विशेज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम 4 फरवरी। आपको आने वाले एग्जाम के 4 फरवरी के लिए बेस्ट विशेज है। अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, गेट अ सिलेक्शन। ओके, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।